वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी आर विद यू विद अनदर टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस टू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ मदर टेरेसा। द नेम ऑफ द पेंटिंग इज मदर टेरेसा। आर्टिस्ट इज एम एफ हुसैन। मीडियम इज वॉटर कलर। पीरियड इज 1997 AD एंड साइज इज 56x36 cm। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग, दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग्स फ्रॉम मदर टेरेसा सीरीज बाय द आर्टिस्ट एम एफ हुसैन। इन हिज ओन वर्ड्स, शी वॉज द मॉडर्न मैडोना, representation of Mother Mary, who embraced the poor and the destitute as her own. For me, she is a timeless figure. I will never get tired of painting her. This was the wording of M.F. Hussain about Mother Teresa when he was painting her paintings. जब उसकी पेंटिंग कर रहे थे तो उनके वर्ड्स थे, और उनको मदर टेरेसा को मॉडर्न मैडोना कहा है, और उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर मेरी का नाम दिया है। डिस्क्रिप्शन विद कलर स्कीम, द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद फ्लोइंग ड्रेप्स ऑफ द ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी दैट वॉज वॉर्न बाई मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ने जो साड़ी पहनी हुई है, वाइट साड़ी, और उन पे ब्लू बॉर्डर शो किया गया, और वो एक फेसलेस फिगर में दिखाई गई है, जैसे कि आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो पेंटिंग में देख रहे हो। द साड़ी इज एक्चुअली सिंबॉलिक ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द नंस ऑफ द ऑर्फनेज एंड होम्स रन बाय मदर टेरेसा। तो जो मदर टेरेसा ऑर्फनेज और होम्स चला रही थी उस टाइम, साड़ी को उसके एक यूनिफॉर्म के सिंबल में दिखाया गया है, एक सिंबल ऑफ द यूनिफॉर्म दिखाया गया है। द मदर इज सपोज्डली सिटिंग अंडर द पैवेलियन ऑफ अ चर्च विच आर्टिस्ट हैज रैंडमली डिवाइडेड विद टू येलो लाइंस ऑन हिज कैनवस। अ सिख पर्सन इज ऑन हर लैप एंड शी इज लीनिंग protectively, gently, over his body। तो यहाँ पे एक सिख पर्सन को दिखाया गया है और साथ में मदर टेरेसा को भी दिखाया गया है। The left extended palm is somewhat similar to Abhay Mudra to assure the needy to have faith in the healing power of God। तो यहाँ पे जो left extended palm है, जो उसको अभय मुद्रा में दिखाया गया है, जो कि उनके विश्वास को दिखा रहा है, जो कि उनका विश्वास है हीलिंग पावर ऑफ द गॉड में। द ब्लैक कलर बिलो द कवर्ड हेड ऑफ द फेस मर्ज विद द बैकग्राउंड। तो जो ब्लैक कलर दिखाया गया है बिलो द फेस, वो बैकग्राउंड से ही मर्ज हो जाता है। The faceless entity is to establish her universal motherhood for which caste, color or religion is unimportant। तो जो faceless entity का universal motherhood दिखाया गया है, जो जिसके लिए caste, color और religion unimportant है, उनकी कोई importance नहीं है। It also indicates complete rejection of ego, a quality of this extremely selfless person। और यही एक इंडिकेशन है रिजेक्शन ऑफ ईगो की, और जो कि एक क्वालिटी है सेल्फलेस पर्सन की, उसको शो किया गया है यहाँ पे। द स्प्रेड ऑफ हर सारी शेल्टर्स अ होमलेस चाइल्ड ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। अ नेक्ड इन्फेंट ऑर्फन इज हेल्ड बाय हर रेप्लिका। जो रेप्लिका उनके जैसी एक और नन को वहां पे दिखाया गया है, वो उन्होंने एक नेक्ड
इन्फेंट ऑर्फन को पकड़ा हुआ है। द कलर ऑफ द इन्फेंट एंड द साड़ी इज इन द लेफ्ट पैनल फॉर्म्ड बाय येलो लाइन इज ऑकर इट एक्चुअली सिग्निफाइज हर एज वन विद हु एवर नीड्स हेल्प। देर इज वन मोर साड़ी कवर्ड हेड बिहाइंड द मदर्स हेड ऑलमोस्ट सिमिलर बट विदाउट द ब्लू बॉर्डर। तो एक और साड़ी है जो यहाँ पे दिखाई गई है बट विदाउट द ब्लू बॉर्डर दिखाई गई है सेम वाइट कलर में। इट कुड प्रोबेबली बी फॉर सिंबलाइजिंग द अदर नंस हु ऑल्सो डिड द सेम काइंड ऑफ वर्क फॉर द नीडी। तो ये एक उनको दिखाया गया है उन नंस को दिखाया गया है अदर नंस को जो सेम काइंड ऑफ वर्क कर रही हैं पुअर एंड नीडी की हेल्प कर रही हैं। द सिक मैन इज पेंटेड विद इंडियन रेड कलर द ब्राइटनेस ऑफ द सेंटली वाइट साड़ी इज ब्राइटनिंग अप द होल स्पिरिट ऑफ द कंपोजिशन। द मदर राइजेज एज अ गार्डियन एंजल अगेंस्ट द डार्क एंड ब्रिंग्स लाइट टू द लिव्स ऑफ द पुअर एंड द नीडी। तो जो सिक मैन इंडियन रेड कलर में पेंट किया गया है और जहाँ पे मदर को एज अ गार्डियन एंजल दिखाया गया है जो कि अगेंस्ट द डार्क दिखाया और वो पुअर एंड द नीडी पीपल की लाइफ में लाइट लेके आ रही हैं उनकी लाइफ की डार्कनेस में लाइट फिल कर रही हैं। द फिगर ऑफ द मदर ट्रेसा एक्वायर्स द पोजीशन ऑफ अ यूनिवर्सल मदर वाइल द फिगर ऑफ द ओल्ड मैन इज हेल्पलेस एंड लाइज इन हर लैप। तो मदर ट्रेसा को यूनिवर्सल मदर एज अ यूनिवर्सल मदर दिखाया गया है और जो ओल्ड मैन है उसको हेल्पलेस और उसकी लैप में उसकी गोद में दिखाया गया है। द साड़ी का ब्लू बॉर्डर दैट कवर्स हर हेड एंड ड्रैप्ड अराउंड हर द स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफ कलर्स विद ब्लैक हैज इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन स्टेन्ड ग्लास एंड मोसाइक्स इन दीज सेमी एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स। हुसैन रिपीटेडली यूजेस एलिमेंट्स फ्रॉम यूरोपियन रेनेसांस पेंटिंग एंड स्कल्पचर फॉर इंस्टेंस ले पीटर बाय माइकलएंगेलो वेयर मैरी होल्ड्स द डेड क्राइस्ट इन लैप। तो जो माइकलएंगेलो की ले पीटर पेंटिंग है उसी के जैसी जहाँ पे मदर मेरी ने डेड क्राइस्ट को अपनी गोद में उठाया हुआ है पकड़ा हुआ है उसी टोन में इन पेंटिंग्स को पेंट किया हुआ है हुसैन के द्वारा। हुसैन हु इज एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म इज आल्सो कॉल्ड द पिकासो ऑफ इंडिया। तो एम एफ हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जो कि मॉडर्निज्म से रिलेटेड है मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड है। द पेंटिंग स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हुसैन्स कमांड ओवर बोल्ड विगोरस लाइंस एंड फॉर्म्स। हिज लाइंस आर शार्प एंड फुल ऑफ एक्सप्रेशन लाइंस शार्प हैं और फुल ऑफ एक्सप्रेशन है हर एक लाइन जो साफ एक्सप्रेशन दे रही है इन लाइंस के थ्रू जो भी इन पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की गई है वो साफ वो क्लियर इन लाइंस के द्वारा मैसेज मिल रहा है। मोस्टली कलर्स आर फ्लैट लाइट एंड डार्क टोन्स कैन बी सीन एट द फ्यू प्लेसेस। दिस पेंटिंग सीरीज प्रूव्स द लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन विद मिनिमल फॉर्म्स दैट ही एक्वायर्ड ओवर द ईयर्स। तो ये पेंटिंग लेवल ऑफ मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन को शो करती हुई साफ यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये थी इस पेंटिंग मदर टेरेसा पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।